काफी हद तक आपने अच्छा किया। काफी हद तक लोग अपने काम से प्रेरित होते हैं। काफी हद तक उसने समस्या को सुलझाने की कोशिश की। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत यूज करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे जहाँ पर हम फ्रेज यूज करते हैं काफी हद तक? चलिए सबसे पहले इसकी इंग्लिश देख लेते हैं। काफी हद तक, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं टू अ ग्रेट एक्सटेंट, टू अ ग्रेट एक्सटेंट। चलिए इसका कॉम्प्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको यूज करना पड़ेगा टू अ ग्रेट एक्सटेंट, इसके बाद आपको यूज कर देनी है कॉम्प्लीट सेंटेंस जो आप बोलना चाहते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल के मदद से इसे और भी बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। काफी हद तक आपने अच्छा किया। टू अ ग्रेट एक्सटेंट यू डिड प्रीटी वेल, टू अ ग्रेट एक्सटेंट यू डिड प्रीटी वेल। काफी हद तक उसने समस्या को सुलझाने की कोशिश की। To a great extent, he tried to resolve the issue. To a great extent, he tried to resolve the issue. काफी हद तक लोग आपके काम से प्रेरित होते हैं। To a great extent, people are inspired by your work. To a great extent, people are inspired by your work. काफी हद तक मरीज घर पर सही हो रहे हैं। To a great extent, patients are recovering at home. To a great extent, patients are recovering at home. काफी हद तक वो सही था। To a great extent, he was right. To a great extent, he was right. काफी हद तक तुम सच बोल रहे हो। To a great extent, you are telling the truth. To a great extent, you are telling the truth.